जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार में बेलेट्रॉन की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली निकाला गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी बताने वाला हूँ, साथ में जो है आप कहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिलेगा वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर का आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर चले आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जो है publictime.in पे आ जाइएगा। ये publictime.in पे आने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है publictime.in, और जो पहला आपको लिंक दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप publictime.in पे आ जाइएगा। तो यहाँ आ जाने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब में आ जाइएगा। तो यहाँ पे बेलेट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी 2024 का यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे ही यहाँ पे नीचे आ जाइएगा तो इसमें जो है पूरा जानकारी बताया गया है कि आपका जो है ये भर्ती कब से कब तक होने वाला है और इसमें किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक करके मिलेगा और यहाँ पे जो है आपको फॉर ऑनलाइन अप्लाई मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा तो आप इस पेज पर आ जाइएगा, आवेदन के पेज पे। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड करना होगा। तो रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करके जो है आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है कुछ आपको यहाँ पे जानकारी डालना है, जैसे कि आपका जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो है नाम यहाँ पे जो ऊपर में डाले हैं फर्स्ट नेम, उसके अलावा कोई और दूसरा नाम है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि जेंडर आपका क्या है। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहाँ पे आप कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। सारा डिटेल डाल देने के बाद जो है यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कैप्चर डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कैप्चर डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे टिक मार्क लगा करके और यहाँ पे आपको कैप्चर फिलअप कर देना है और यहाँ पे आपको रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएंगे कि आपने जो डिटेल ऊपर डाला है वो सही है, तो आपको इसको बॉक्स में टिक मार्क लगा देना है सारे बॉक्स में और यहाँ पे फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और आपको जो है यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। चलिए हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डिटेल डाला था वो यहाँ पे आपका फिल होगा। उसके बाद आपसे जो एक्स्ट्रा डिटेल पूछा जा रहा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लेना है, अपने फादर्स का या फिर अपने हस्बैंड का यहाँ पे नाम डाल देना है और यहाँ पे अपने मदर का नाम डाल देना है। और उसके नीचे में जो है आपका पोस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और उसके नीचे में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंडियन है तो इंडियन पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यह आपसे पूछ रहा है कि आप जो है बिहार के निवासी हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, वो कैटेगरी आप यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके नीचे में जो है यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल डाल देना है। डिटेल में जो है यहाँ पे आपका कौन इशू किया है उस सर्टिफिकेट को वो डाल देना है, कब इशू हुआ है वो डाल देना है, और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सीरियल नंबर जो है सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके नीचे में जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है, उसका यहाँ पे आपको डिटेल डाल देना है। डिटेल में जो है यहाँ कौन इशू किया है आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट वो डाल देना है, कब इशू हुआ है वो यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे जो है आपको अपना रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का जो है सीरियल नंबर डाल देना है। और नीचे में जो है आपको यहाँ पे अपने अगर शरीर में कोई कट मार्क है या फिर कोई मोल है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके नीचे में यहाँ पे आपको जो है एक आईडी प्रूफ डालना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर और कुछ भी अगर आपके पास है
वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैन कार्ड चूज किया, तो पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर और पैन कार्ड पे जो नाम है वो डाल करके यहाँ पे टिक मार्क लगा करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आ जाइएगा एड्रेस डिटेल पे, तो यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका कंट्री और स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट ही रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा और आपका नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ की आपको जो है क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, अगर एक्सटर्नल जो आपके पास क्वालिफिकेशन है 12th, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद टाइपिंग का जो आपका डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। साथ में जो है आपने कंप्यूटर कोर्स जो किया है वो आपको यहाँ पे उसका डिटेल देना होगा। और उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है वो तो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम लोग अपना सारा डिटेल यहाँ पे जो है फिलअप कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे आपसे जो जो पूछा जा रहा है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका टेस्ट सिटी ओपन हो जाएगा, जहाँ की आपको अपना एग्जाम का सिटी सेलेक्ट करना है कि आपका जो टेस्ट एग्जाम होने वाला है वो आप किस किस सिटी में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे सिटी आ गए हैं, वो यहाँ पे सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेवन नेक्स्ट क्लिक पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है, साथ में जो है यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको NCL अपलोड करना होगा, जो आपका NCL है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसके साथ यहाँ पे आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, और यहाँ पे जो है आपको 12th का जो है वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना है। साथ में जो है आपने 1 ईयर का जो कंप्यूटर कोर्स किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है, जो आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देना है। और यहाँ पे अगर आपके पास अदर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इतना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद जो है नीचे में जो है आपको पेमेंट के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे जो है हमारा 1000 रुपया कटने वाला है। आपका भी जितना का भी पेमेंट होगा उसको आप यहाँ पे जो है ऑनलाइन सेलेक्ट करके और सारे में टिक लगा करके कैप्चर पे क्लिक करके सबमिट करके जो है आप अपना ऑनलाइन फी जमा कर दीजिएगा। उसके बाद जो है सक्सेसफुली आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म भी आवेदन हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग बेलेट्रॉन की तरफ से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली निकाला गया है, कुछ इसी प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कोई भी प्रोसेस नहीं बचता है, बस पेमेंट कीजिएगा, आपको रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, जिस वजह से मैं इस फॉर्म को पूरा नहीं भर रहा हूं, और मैंने दोस्तों आपको पूरा जानकारी दे दिया है कि किस प्रकार से जो है आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और वीडियो को रिगार्डिंग कोई बात रह जाती है तो हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।